मोहम्मद गोरी विजय प्रदेशों की देखभाल के लिए किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? मोहम्मद गोरी जो है उसने विजय प्रदेशों की देखभाल के लिए एक विश्वसनीय जनरल को छोड़ा था और उस जनरल का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। इसको इन्होंने छोड़ा था वहाँ पर। इसके बाद है भारत में मुस्लिम शासक की नींव किसने डाली? भारत जो है यहाँ पर मुस्लिम शासक की नींव डालने वाला व्यक्ति का नाम था मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था? मोहम्मद गोरी का जो अंतिम आक्रमण हुआ वो विरुद्ध था पंजाब के कोखर के विरुद्ध। भारत में गुलाम वंश की स्थापना किसने की? भारत में गुलाम वंश की स्थापना करने वाला व्यक्ति था 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? जो दिल्ली सल्तनत है वहाँ की दरबारी भाषा थी फारसी। आगरा शहर का निर्माण किसने कराया? आगरा शहर का निर्माण कराया था सिकंदर लोधी ने। किस सुल्तान की मृत्यु चोगान खेलते समय हुई थी? तो वो है कुतुबुद्दीन ऐबक, जिनकी मृत्यु चोगान खेलते समय हुई। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? कुव्वत उल इस्लाम जो मस्जिद है इसका निर्माण कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? कुतुब मीनार स्थित है दिल्ली में। कुतुब मीनार का शुभारंभ किसने किया? कुतुब मीनार का शुभारंभ करने वाला व्यक्ति था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार को पूरा किसने कराया? इसका प्रारंभ किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने और इसको पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? भारत की सुल्तान महिला जिन्होंने शासक किया भारत पर वो थी रजिया सुल्तान। वो बेटी थी इल्तुतमिश की जिन्होंने कुतुब मीनार को पूरा करवाया था। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मघोल आक्रमण हुए? वो थे अलाउद्दीन खिलजी जिनके शासनकाल में सबसे अधिक मघोल आक्रमण हुए। सांकेतिक मुद्रा का चलन किसने किया? सांकेतिक मुद्रा का चलन किया था मोहम्मद बिन तुगनक ने। किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण कहा? वो सुल्तान है मोहम्मद बिन तुगलक जिसको इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण कहा है। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोधी वंश के अगर अंतिम शासक की बात की जाए तो वो था इब्राहिम लोधी। इनाम भूमि किसे दी जाती थी? विद्वान एवं धार्मिक व्यक्ति जो होता था उसको इनाम भूमि दी जाती थी। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम महिला शासक कौन थी? दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम महिला शासक थी रजिया सुल्तान। दिल्ली के किस साल सुल्तान ने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया? वो था अलाउद्दीन खिलजी जिसने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया। विदेशी यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? जो इब्न बतूता है ये आया था मोरक्को से। इब्न बतूता किसके शासन में भारत आया था? ये आए थे मोहम्मद बिन तुगलक के शासक में भारत। किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया? वो शासक जिसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था उसका नाम है मुबारक शाह खिलजी। खिलजी वंश की स्थापना कब वो किसने की? इसकी स्थापना की थी 13 जून 1290 1290। इसकी जो स्थापना की थी ये की थी जलालुद्दीन खिलजी ने 1219 में 90 में 13 जून 1219 में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की गई? इसकी शुरुआत की गई अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। अल बरूनी का पूरा नाम क्या है? अल बरूनी का पूरा नाम है अबू रेहान मोहम्मद। 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है किताबुल हिंद को। दिल्ली सल्तनत की किस शासक ने स्थायी सेना बनाई? वो है अलाउद्दीन खिलजी जिसने स्थायी सेना बनाई। गुल उखी के उपनाम से कौन सा शासक कविताएं लिखता था? उसका नाम है सिकंदर लोधी जो गुल उखी के उपनाम से किताबें लिखता था। ध्यान रखिएगा। अलाई दरवाजा किसका मुख्य द्वार है? अलाई दरवाजा जो है ये कुतुब मीनार का मुख्य द्वार है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या किसने की? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? जब अलाउद्दीन का आक्रमण हुआ था देवगिरी पर तब वहां का शासक था रामचंद्र देव।
सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन था? तो इसका ग्रामीण अधिकारी था मलिक। तैमूर लंक के भारत पर आक्रमण कब किया? तैमूर लंक जो है उसने भारत पर आक्रमण किया था 1398 ईस्वी में। किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? वो सुल्तान है बलबन जिसके दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया? तो उसका नाम है फिरोज शाह तुगलक जिसने बेरोजगारों को रोजगार दिया। किस शासक को भारत के इतिहास में बुद्धिमान पागल का शासक कहा जाता है? वो है मोहम्मद बिन तुगलक। कौन सा शासक अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया? वो था मोहम्मद बिन तुगलक जो अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया। तुगलक नामा की रचना किसने की? तो इसकी रचना की थी अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो ने किस भाषा के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? उन्होंने खड़ी बोली के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई। भारत में पोलो खेल का शुभारंभ किसके समय में हुआ था? तो ये हुआ था तुर्कों के समय में। कौन सा शासक दान दक्षिणा में अधिक विश्वास रखता था तथा अपने दीवाने खैरात नामक विभाग की स्थापना की? उसका नाम है फिरोज शाह तुगलक जो दान दक्षिणा में अधिक विश्वास करता था। किस संगीत यंत्र को हिंदू मुस्लिम गान का सर्वश्रेष्ठ यंत्र माना जाता है? वो है सितार। संगीत की हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन है? तो वो है अमीर खुसरो। संगीत की कवाली शैली के जन्मदाता कौन है? तो वो है अमीर खुसरो। अनुकूल परिस्थितियां होने पर भी गुलाम वंश के शासक अपने साम्राज्य का विस्तार क्यों नहीं कर पाए? तो वो था मंगोल आक्रमण का भय होने के कारण वो अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए। किस शासक को द्वितीय सिकंदर अथवा सिकंदर सानी कहा जाता है? तो वह है अलाउद्दीन खिलजी जिसे द्वितीय सिकंदर अथवा सिकंदर सानी कहा जाता है। सिक्कों पर खलीफा का नायब किस सुल्तान को माना गया? तो वह है फिरोज शाह तुगलक। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद किस शासक ने बनवाई? ये बनवाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कौन सा शासक स्वयं को ईश्वर का अभिशाप कहता था? उस शासक का नाम है चंगेज खां जो स्वयं को ईश्वर का अभिशाप कहता था। मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में फिरोज तुगलक के शासन की विशेषता क्या थी? तो वो इसकी विशेषता थी ये गुलामों के लगल विभाग दीवाने बंदगान की स्थापना इन्होंने की थी। गुलामों के लिए अलग विभाग की स्थापना की थी जिसका नाम था दीवाने बंदगान। इसकी ये विशेषता थी। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने भारत में नहरों का जाल बिछाया कौन था? उसका नाम है तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। किसके कहने पर अलाउद्दीन खिलजी के सिकंदर के समान विश्व विजय की योजना को ठुकरा दिया? तो वो था अलाउक मुल्क। किस शासक ने सैनिकों को भू अनुदान के स्थान पर नगद वेतन देने की प्रथा चलाई? वो है अलाउद्दीन खिलजी। किसने भूमि मापने के पैमाने पर गजे सिकंदरी को प्रचलित किया? वो है सिकंदर लोदी। किस मुस्लिम शासक ने सिक्कों पर लक्ष्मी देवी की आकृति बनवाई थी? वो है मोहम्मद गोरी। अलाउद्दीन खिलजी का राजदरबारी कौन था? इनका राजदरबारी था अमीर खुसरो। किस शासक ने अपना उपनाम अबुल मजहिद रखा? वो है मोहम्मद बिन तुगलक जिन्होंने अपना उपनाम अबुल मजहिद रखा। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई? इनकी मृत्यु हुई थी थट्टा में। रजिया बेगम को मारने में किसका हाथ था? रजिया बेगम को मारने में हाथ था बहराम शाह का। जवाबित किससे संबंधित है? ये संबंधित है राज्य कानून से। जलालुद्दीन के बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम था अली गुरसब। कौन सा शासक बाजार के अंदर घूमकर बाजार का निरीक्षण करता था? वो है अलाउद्दीन खिलजी। किस पुस्तक में मोहम्मद बिन तुगलक के शासन की घटनाओं का वर्णन है? वो पुस्तक है रेहला। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी सुल्तान बनने से पहले कहाँ का इक्तदार था? तो वो था बुलंदशहर का। चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? चालुक्य वंश जो हुआ इसका सबसे प्रतापी राजा माना जाता है पुलकेशियन द्वितीय। कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था? वो शहर जो चोल राजाओं की राजधानी था उसका नाम है तंजोर। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला प्रसिद्ध राजा कौन था? श्रीलंका पर जिस राजा ने विजय प्राप्त करी उसका नाम था राजेंद्र। तंजोर में स्थित राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया? इसका निर्माण करवाया था राजराजा प्रथम ने। किस राष्ट्रकूट शासक ने पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया? वो शासक जिसने पहाड़ी को काटा और जो वर्ल्ड फेमस मंदिर है कैलाश मंदिर, कैलाशनाथ का मंदिर, उसका निर्माण करवाया और उनका नाम था कृष्ण प्रथम।
राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक था दंती दुर्ग। किस राजवंश ने श्रीलंका व दक्षिण पूर्वी एशिया को जीता था? वो राजवंश था चोल वंश, जिसने श्रीलंका व दक्षिण पूर्वी एशिया को जीता। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने कराया? इसका निर्माण कराया था चालुक्य ने। पल्लवों का एकाश्मीय रथ कौन सी जगह मिला? पल्लवों का जो एकाश्मीय रथ था ये मिला था महाबलीपुरम में। होयसल की राजधानी कहाँ थी? होयसल की राजधानी थी द्वार समुद्र में। यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? यादव सम्राटों की राजधानी थी देवगिरी में। किस शासक ने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की? तो वो शासक था राजराजा प्रथम, जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की। पांडे साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? जो पांडे साम्राज्य है इनकी राजधानी थी मदुरई में। ऐहोल का लाडवा मंदिर किस देवता का है? ऐहोल का जो लाडवा मंदिर है ये मंदिर है सूर्य देवता का। मामल्लपुरम किसका समानार्थी है? मामल्लपुरम जो समानार्थी है ये समानार्थी है महाबलीपुरम का। किस वंश के शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? वो वंश था चोल वंश, जिसके शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी। भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? भगवान नटराज जो है इनका प्रसिद्ध मंदिर स्थित है चिदंबरम में। राष्ट्रकूटों का पतन किसने किया? राष्ट्रकूटों का पतन करने वाला व्यक्ति था तैलप द्वितीय। प्रशासन के क्षेत्र में चोल वंश की मुख्य देन क्या थी? प्रशासन के क्षेत्र में चोल वंश की मुख्य देन थी सुसंगठित स्थानीय स्वशासन। तीन मुख वाली ब्रह्मा विष्णु व महेश की मूर्ति कहाँ स्थित है? जो तीन मुख वाली ब्रह्मा विष्णु व महेश की मूर्ति है ये स्थित है एलिफेंट गुफा में। महाभारत का भारत वेंटा के नाम से किसने तमिल भाषा में अनुवाद किया? वो है पेरुन देवनार ने इसका अनुवाद किया है तमिल भाषा में। महाभारत को जो है भारत वेंटा के रूप में इसका अनुवाद हुआ है। राजेंद्र चोल द्वारा बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? राजेंद्र चोल द्वारा जो बंगाल अभियान चलाया गया इसमें बंगाल का शासक था महीपाल प्रथम। चालुक्य विक्रम संवत का शुभारंभ कब से हुआ? ये इसका शुभारंभ किया था विक्रमादित्य चतुर्थ ने। पल्लवों की राजधानी क्या थी? पल्लवों की राजधानी थी संस्कृत। राज्य भाषा, इनकी राज्य भाषा जो थी वो थी संस्कृत। 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिला लेख किस राज्य में मिले? ये मिले थे कर्नाटक राज्य में। कौन से राजवंश के शासक अपने शासनकाल में उत्तराधिकारी नियुक्त कर देते थे? तो वो थे चोल वंश के शासक, जो अपने शासनकाल में उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया करते थे। दक्षिणी भारत का तक्कोलम का युद्ध किस किस के मध्य हुआ? तो ये चोल वंश व राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम का क्या अर्थ है? गोपुरम का अर्थ है तिरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन। चोलों को राज्य कहाँ तक फैला था? इनका राज्य जो फैला था कोरोमंडल तट व दक्कन के कुछ भाग तक। चोल शासकों के समय बनी प्रतिमाओं में सबसे विख्यात कौन सी प्रतिमा थी? तो इनके समय में बनी जो प्रतिमाएं थी उसमें सबसे विख्यात थी नटराज शिव की कांस्य प्रतिमा। चोल युग किसके लिए प्रसिद्ध था? यह युग प्रसिद्ध था ग्रामीण सभाओं के लिए। किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य की उत्पत्ति का काल माना जाता है? तो वह है राष्ट्रकूट। होयसल स्मारक कहाँ है? ये स्मारक है मैसूर और बेंगलुरु में। चोलों द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीतिक तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किए गए? तो उन्होंने किए थे वैंगिक के चालुक्यों के साथ। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति किसकी थी? तो ये देवाकृति थी चतुर्भुज, ये देवाकृति थी। चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? यहाँ का संस्थापक था विजयपाल। रुद्रवा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक थी? रुद्रवा जो थी ये काकतीय राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक थी। राजराजा प्रथम का मूल नाम क्या था? इनका मूल नाम था अरिमोल वर्मन। चोल युग में कड़ीमे का अर्थ क्या था? इसका अर्थ था भू राजस्व या लगान। तंजौर में स्थित राजराजेश्वर मंदिर किस देवता का है? तो ये मंदिर है शिव का। चोल युग में किसने हिरण्यगर्भ नामक त्यौहार का आयोजन किया? तो ये किया था लोक महादेवी ने। चोल युग में सोने के सिक्के क्या कहलाते थे? इसके समय में सोने के सिक्के कहलाते थे कुलंजू। चोल युग में युद्ध में विशेष पराक्रम दिखाने वाले योद्धा को कौन सी उपाधि दी जाती थी? तो इसमें दी जाती थी क्षत्रिय सिकमणि की उपाधि।
पुलकेशिन द्वितीय किसके समकालीन था? ये हर्षवर्धन के समकालीन था। कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया? इसका निर्माण कराया था नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। इसके बाद है होयसल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका शासक था बल्लाल तृतीय। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? तो इन्होंने प्रदान किया था शैव धर्म को संरक्षण। विचित्र चित्र की उपाधि किस पल्लव वंश के शासक ने धारण की? तो विचित्र चित्र की उपाधि धारण की थी महेंद्र वर्मन द्वितीय ने। चोल वंश का संस्थापक विजयपाल पहले किसका सामंत था? ये सामंत था पल्लवों का। श्रृंगार्थ दीपिका की रचना किसने की? इसकी रचना की वेंकट माधव ने। तैलब द्वितीय ने किस नदी में आत्महत्या की थी? तो इन्होंने की थी तुंगभद्रा नदी में। राजपूत काल कब से कब तक माना जाता है? तो ये माना जाता है 6वीं सदी से 12वीं सदी तक। 1712 ईस्वी में सिंध पर मोहम्मद बिन काशिम के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? तो यहाँ का शासक था दाहिर। सर्वप्रथम जजिया कर लगाने का श्रेय किसे दिया जाता है? सबसे पहले जजिया कर लगाने का जो श्रेय दिया जाता है वो दिया जाता है मोहम्मद बिन काशिम को। दिल्ली का किसका पुराना नाम है? तो दिल्ली का जो पुराना नाम है वो है दिल्ली का। पृथ्वीराज रासव की रचना किसने की? इसकी रचना की है चंद्र बरदाई ने। प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये माउंट आबू में स्थित है। खजुराहो में स्थित मंदिरों का निर्माण किसने कराया? इसका निर्माण कराया चंदेल शासकों ने। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? विजय स्तंभ स्थित है चित्तौड़गढ़ में। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किए? इन्होंने भारत पर आक्रमण किए हैं 17 बार। मोहम्मद गजनवी का प्रसिद्ध आक्रमण कौन सा था? इनका प्रसिद्ध आक्रमण था सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। मोहम्मद गजनवी ने गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को कब लूटा? तो उन्होंने गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को लूटा था 1125 ईस्वी में। इन्होंने ये लूटा था 1125 में। सोमनाथ मंदिर पर मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? तो यहाँ का शासक था भीमदेव। किस शासक ने कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद पर लिखे थे? नाटक के कुछ अंश, तो वो था हरी केली नाटक के अंश जो है ये लिखे गए थे 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद पर। रानी पद्मिनी का नाम खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। रानी पद्मिनी किसकी पत्नी थी? तो ये राजा राणा रतन सिंह की पत्नी थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की इसकी स्थापना की है धर्मपाल ने। गीत गोविंद किसने लिखी है? लिखी है जयदेव ने। जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? ये करते थे लक्ष्मण सेन की सभा को अलंकृत। किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया? इसका निर्माण कराया था धर्मपाल ने। प्रथम भारत पर सर्वप्रथम अरब आक्रमण किसने किया? तो ये किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? ये मंदिर है ओडिशा में। कोणार्क में स्थित सूर्य देव मंदिर के संस्थापक कौन थे? तो ये है नरसिंह, इसके संस्थापक थे नरसिंह। इसके बाद है ब्लैक पेगोडा कहाँ स्थित है? तो कोणार्क में स्थित है। अलवर के संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे अजयपाल। किस शासक के दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला? तो ये मिला था जय सिंह के दरबार में। चंदावर का युद्ध किस किस के मध्य हुआ? ये युद्ध हुआ था जयचंद और मोहम्मद गौरी के मध्य। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? ये मंदिर स्थित है भुवनेश्वर में। लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली? इसकी नींव डाली थी ययाति केसरी ने। बंगाल के पाल वंश का संस्थापक कौन था? यहाँ का संस्थापक था गोपाल। किस पाल शासक को गुजराती कवि सोडल ने उत्तरापद स्वामिन कहा? ये था धर्मपाल। हिंदू विधि की प्रसिद्ध पुस्तक दाय भाग की रचना किसने की? इसकी रचना की है जिमूत वाहन ने। रामचरित की रचना किसने की? इसकी रचना की है संध्याकर नंदी ने। प्रतिहार राजवंश की स्थापना किसने की? इसकी स्थापना की है हरिश्चंद्र ने। मिहिर भोज का पुत्र कौन था? मिहिर भोज का पुत्र था महेंद्रपाल। काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसने लिखा? ये लिखा है राजशेखर ने। तोमर वंश का संस्थापक कौन था? इसका संस्थापक था राजा अनंग पाल। किस शासक को राय पिथोरा कहा जाता है? तो वो है पृथ्वीराज चौहान। कायस्थों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? इनका उल्लेख मिलता है ओसनम स्मृति में। हिंदू विधि पर मिताक्षरा नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखी है ज्ञानेश्वर ने। राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है कर्नल टोड को। सेन वंश की स्थापना किसने की? इसकी स्थापना की है सामंत सेन ने।
समरांगण सूत्रधार विषय किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है स्थापत्य शास्त्र से। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? ये हुआ था 1191 में। तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच हुआ? ये हुआ था पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गोरी के बीच। तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ? तो ये हुआ था 1192 में। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसकी पराजय हुई? तो इसमें पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई थी। प्रथम बार भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण किसने किया? ये किया था मोहम्मद गजनवी के पिता सुबुक तगीन ने। मोहम्मद गजनवी ने प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था? इन्होंने किया था हिंदुसाइत के विरुद्ध। हिंदुसाई राज्य की राजधानी कहाँ थी? यहाँ की राजधानी थी उदभांडपुर ओहिंद। मोहम्मद गजनवी का राजदरबारी कौन था? इनका राजदरबारी कवि था फिरदौसी। सहनामा के रचयिता कौन है? इनके रचयिता है फिरदौसी। मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के फलस्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बना? वो था लाहौर। वाहिंद का युद्ध कब हुआ? किस किस के बीच लड़ा गया? तो मोहम्मद गजनवी व आनंदपाल के बीच लड़ा गया। मोहम्मद गोरी किस वंश का शासक था? तो ये संसवनी वंश का शासक था। मोहम्मद गोरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया? तो इन्होंने किया था मुल्तान के विरुद्ध। भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक कौन थे? इसके प्रतिपादक थे रामानुजाचार्य। भारत पंजाब में भक्ति आंदोलन के जनक कौन थे? पंजाब में जो भक्ति आंदोलन हुआ था उसके जनक थे गुरु नानक। कबीर के गुरु कौन थे? उनके गुरु थे रामानंद। कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था लहरतारा काशी में। कबीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? ये हुई थी मगहर संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला? तो ये फैला था संत ज्ञानेश्वर की शिक्षाओं द्वारा। भक्ति आंदोलन को दक्षिणी भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने वाले कौन थे? उनका नाम है रामानंद। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? वो जुड़े थे गौड़ीय संप्रदाय से। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? तो ये की थी वल्लभाचार्य ने। किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव के लिए कीर्तन को अपना माध्यम बनाया? वो थे चैतन्य महाप्रभु। अद्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ये किया था शंकराचार्य ने। भक्ति आंदोलन के दौरान असम में भक्ति आंदोलन को किसने चलाया? ये चलाया था शंकर देव ने। गुरु नानक का धर्मोपदेश क्या था? इनका धर्मोपदेश था मानव बंधुत्व। किस भाषा को लोकप्रिय बनाने के लिए चंडीदास ने योगदान दिया? वो भाषा थी बंगाली। रामानुज के अनुयायी को क्या कहते हैं? वो कहते हैं वैष्णव कहा जाता है रामानुज के अनुयायियों को। बीजक के रचयिता कौन है? बीजक के रचयिता है कबीरदास। महात्मा बुद्ध व मीराबाई के जीवन दर्शन में कौन सी मुख्य विशेषता समान थी? उनकी मुख्य विशेषता थी संसार का दुखपूर्ण होना। प्रसिद्ध भक्ति रस कवित्री मीराबाई किसकी पत्नी थी? ये थी राजकुमार भोजराज की पत्नी। यदि संस्कृत मातृभाषा है तो क्या मेरी मातृभाषा दस्यु भाषा है? यह कथन किसका है? तो ये कथन है एकनाथ जी का। भक्त तुकाराम किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो ये समकालीन थे जहांगीर के। किस संत ने अपने भक्ति संदेशों के प्रचार के लिए हिंदी का प्रयोग किया? उन संत का नाम है रामानंद। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? उनके आध्यात्मिक गुरु थे रामदास। दास बोध के रचयिता कौन है? दास बोध के रचयिता है रामदास। गुरु नानक का जन्म कब हुआ? इनका जन्म हुआ था 1469 में। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ? इनका जन्म हुआ था तलवंडी में। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो ये माना जाता है गुरु नानक को। अमृतसर शहर का निर्माण किसने करवाया? इसका निर्माण करवाया था गुरु रामदास ने। किस धर्म गुरु को इस्लाम न अपनाने के कारण शीश कटवाना पड़ा था? वो थे गुरु तेग बहादुर, जिनको इस्लाम न अपनाने के कारण शीश कटवाना पड़ा था। महात्मा गांधी के प्रिय भजन जो पीर पराए जाने रे के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता कहाँ के संत थे? ये जो संत थे ये थे गुजरात के। असम चैतन्य किसे कहा जाता है? असम का चैतन्य ये कहा जाता है शंकर देव को। मुगल शासक मोहम्मद शाह किस संप्रदाय के अनुयायी थे? तो ये अनुयायी थे शिवनारायण के। गुरु नानक का जन्म स्थल तलवंडी नामक स्थान अब किस नाम से विख्यात है? तो ये विख्यात है ननकाना साहिब के नाम से। रामचरितमानस नामक ग्रंथों की रचना किसने की? तो ये की थी तुलसीदास ने। तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था बांदा जिले के राजापुर गांव में। रायदासी संप्रदाय की स्थापना किसने की? इसकी स्थापना की थी रैदास ने। रैदास किसके शिष्य थे? तो ये शिष्य थे रामानंद के। निपक नामक आंदोलन किस धर्मगुरु ने चलाया? तो ये चलाया था दादू दयाल ने। सिखों के दसवें गुरु कौन थे? इनके दसवें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। धर्म दीक्षा पाहुल की स्थापना किसने की?
धर्म दीक्षा पाहुल की स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह ने। सिक्के का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? इनका प्रमुख त्यौहार है बैसाखी। किस सिख गुरु ने पंजाबी भाषा में गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी? उनका नाम है गुरु रामदास, जिन्होंने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी। कौन सा सूफी संत यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है? वो सूफी संत जो ये मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है, वो है मोइनुद्दीन चिश्ती। भारत में सबसे अधिक चिश्ती सिलसिले किसने स्थापित किए? तो ये स्थापित किए थे शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने। महिला सूफी राबिया कहाँ की थी? महिला सूफी राबिया जो बिलोंग करती थी, ये बिलोंग करती थी बसरा से। सूफी सिलसिला किस धर्म से संबंधित है? जो सूफी सिलसिला है ये संबंध रखता है इस्लाम धर्म से। इसके बाद है इस्लाम रहस्यवादी आंदोलन को क्या कहा जाता है? जो इस्लाम रहस्यवादी आंदोलन है इसे सूफी आंदोलन कहा जाता है। भारत में किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक मान्यता मिली? भारत में सर्वाधिक मान्यता जिस सूफी सिलसिले को मिली वो थी चिश्ती को। दारा सिको ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया था? जो दारा सिको है उन्होंने अपनाया था कादरी को। निजामुद्दीन औलिया ने किस सुल्तान से मिलने से इनकार कर दिया था? इन्होंने इनकार किया था फिरोज खिलजी से मिलने से। सूफी सिलसिले में कौन सा संगीत के विरुद्ध था? तो वो था नक्शबंदी, जो संगीत के विरुद्ध था। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में भारत आए? जो सूफी संत थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ये भारत आए थे पृथ्वीराज चौहान के काल में। सूफी सलीम कहाँ रहते थे? ये फतेहपुर सिकरी में रहा करते थे। मध्यकालीन सूफियों में सबसे धनी सूफी कौन थे? जो मध्यकालीन सूफी हुए उसमें सबसे धनी सूफी थे शेख बहाउद्दीन जकारिया। दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने शेखुल इस्लाम की उपाधि किसे दी? इन्होंने शेखुल इस्लाम की उपाधि दी थी शेख बहाउद्दीन जकारिया को। भागवत गीता एवं योग विशिष्ट का फारसी में अनुवाद किसने किया? इसका अनुवाद किया था दारा सिखो ने। किस सूफी संत को शेखुल हिंद की पदवी प्रदान की गई? तो ये की गई थी शेख सलीम चिश्ती को। मुगल बादशाह औरंगजेब को सूफी सिलसिले में दिलचस्पी थी, तो वो सूफी सिलसिला था नक्शबंदी, जिसमें मुगल बादशाह औरंगजेब को दिलचस्पी थी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके साथ भारत आए थे? ये भारत आए थे मोहम्मद गोरी के साथ। चिश्ती परंपरा का मुख्य केंद्र कौन सा था? जो चिश्ती परंपरा है इसका मुख्य केंद्र था अजमेर। सूफी मत के आध्यात्मिक प्रवर्तक को क्या कहा जाता है? जो सूफी मत का आध्यात्मिक प्रवर्तक होता है उसे पीर कहा जाता है। नक्शबंदी सिलसिले की स्थापना किसने की? इसकी स्थापना की थी ख्वाजा अब्दुल्ला ने। किस सूफी संत को जहांगीर ने कैद कर लिया था? वो सूफी संत है शेख अहमद सरहिंदी, जिसको जहांगीर ने कैद कर लिया था। कादिरी संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था? तो कादिरी संप्रदाय का प्रवर्तक था अब्दुल कादिर गिलानी। सूफियों के आश्रम को क्या कहा जाता है? तो इनके आश्रम को कहा जाता है खानका। तो दोस्तों ये थे सूफी आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न। अब देखिए मराठा संघ की स्थापना किस पेशवा के समय हुई? मराठा संघ, मराठा राज्य संघ, एक तो ये बात आपको ध्यान रखनी, मराठा राज्य संघ। अब इसकी स्थापना किस पेशवा के समय में हुई? मराठा राज्य संघ की स्थापना हुई थी बालाजी विश्वनाथ पेशवा के समय में। तो ये भी प्रश्न आ सकता है कि बालाजी विश्वनाथ पेशवा जो है उनके समय कौन से संघ की स्थापना हुई थी? तो इनके समय हुई थी मराठा राज्य संघ की स्थापना। मराठों ने सर्वप्रथम किसके अधीन कार्य करके अनुभव प्राप्त किया? मराठे जो थे उन्होंने पहले किसी शासकों के अधीन इन्होंने कार्य किया, उससे इन्होंने अनुभव प्राप्त किया, इसके बाद अपने राज्य स्थापित किए। जो मराठाओं ने किया था सबसे पहले इन्होंने देवगिरी के यादवों के अधीन कार्य किया, अनुभव प्राप्त किया, इसी तरह इन्होंने फिर अपने राज्य स्थापित किए। गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? गुरिल्ला युद्ध, इसके पथ प्रदर्शक थे शिवाजी। शिवाजी के शासन के
शिवाजी के शासन में पेशवा किसको कहा जाता था? शिवाजी के शासन में पेशवा कहा जाता था प्रधानमंत्री, जिसका स्थान राजा के बाद होता था। इसको कहा जाता था पेशवा। किसने शिवाजी को तोपे प्रदान की? शिवाजी को तोपे प्रदान की थी अंग्रेजों ने, अंग्रेजों से उन्होंने तोपे ली थी। तो यहाँ पर अंग्रेजों अपना करेक्ट हो जाएगा। शिवाजी और मुगलों के बीच कौन सी संधि हुई? शिवाजी और मुगलों के बीच एक संधि हुई थी, वो थी पुरंदर की संधि। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? इनका राज्याभिषेक हुआ था रायगढ़ में, और इनकी जो राजधानी थी वो भी रायगढ़ ही थी। शिवाजी के साम्राज्य की जो राजधानी थी वो भी रायगढ़ ही थी। पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 1761 ईस्वी में। पानीपत का तृतीय युद्ध किस किस के बीच हुआ? अब ये जो थर्ड युद्ध हुआ था, ये हुआ था बाजीराव पेशवा, बाजीराव द्वितीय और अहमदाबाद अहमद शाह अब्दाली के बीच। शिवाजी सबसे अधिक किससे प्रभावित थे? शिवाजी की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा प्रभावित थे अपनी माता जीजाबाई से। अष्ट प्रधान परिषद किसके शासनकाल में थी? अष्ट प्रधान परिषद थी शिवाजी के शासनकाल में। शिवाजी के संरक्षक एवं राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इनके संरक्षक और राजनीतिक गुरु थे दादाजी कोंडदेव। किस मराठा सरदार ने पहले लोड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार किया था? वो व्यक्ति था पेशवा बाजीराव द्वितीय, जिन्होंने सबसे पहले लोड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार किया। सरेजामी प्रथा किससे संबंधित है? ये जो प्रथा है ये मराठा भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित है। बीजापुर के सुल्तान ने किस सरदार को शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए भेजा? बीजापुर का वो सुल्तान जिसने शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए भेजा था, उस सुल्तान का नाम है अफजल खां। मुगलों की कैद से भागने के समय शिवाजी किस जेल में थे? मुगलों की कैद से भागने के समय शिवाजी थे आगरा के जेल में। ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की? तो ग्वालियर राज्य की स्थापना की थी जीवाजी राव सिंधिया ने। किस इतिहासकार ने पानीपत की लड़ाई को स्वयं देखा? उनका नाम था काशीराज पंडित। शिवाजी को पहाड़ी चूहा या साहसी डाकू किसने कहा? यह कहा था औरंगजेब ने कि शिवाजी पहाड़ी चूहा और साहसी डाकू है। शिवाजी औरंगजेब के दरबार में आगरा कब उपस्थित हुए थे? इसका समय था 1666 में ये जो है आगरा उपस्थित हुए थे। मराठा शासन को किसने सरल और कारगर बनाया? तो ये बनाया था बालाजी विश्वनाथ ने। शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान कौन सा था? इनका अंतिम सैन्य अभियान था कर्नाटक अभियान। शिवाजी के अष्ट प्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था उसे क्या कहा जाता था? तो उसे कहा जाता था सुमंत। मराठा शासन में सर ए नौबत का क्या अर्थ था? सर ए नौबत कहा जाता था सेनापति को। किस मराठा सरदार ने 1758-59 में पंजाब पर विजय प्राप्त की? तो विजय प्राप्त की थी रघुनाथ राव ने। किस मराठा सरदार ने सेना का गठन यूरोपीय ढंग से किया था? उनका नाम है महदाजी सिंधिया, जिन्होंने सेना का संगठन यूरोपीय ढंग से किया। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? उनका जन्म हुआ था सिवनेर किले में। किस भाषा को शिवाजी ने अपने दरबार में लागू किया? इन्होंने लागू किया था मराठी भाषा को अपने दरबार में। शिवाजी से लड़ने के लिए जय सिंह को किस मुगल शासक ने भेजा था? तो शिवाजी से लड़ने के लिए जिन्होंने भेजा था वो है औरंगजेब। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ? इनका राज्याभिषेक हुआ था 1674 में। शिवाजी की आयु का मुख्य साधन क्या था? इनके आयु का मुख्य साधन था चोट। झलकी की संधि किस किस के मध्य हुई? तो यह हैदराबाद के निजाम एवं बालाजी बाजीराव के मध्य हुई। खेड़ा का युद्ध कब हुआ? तो यह हुआ था 1707 में। और पाल खेड़ा का युद्ध कब हुआ? यह हुआ था 1728 में। खजुराहो के मंदिर कहाँ स्थित है? खजुराहो का मंदिर स्थित है मध्य प्रदेश में। ये मंदिर अपने कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है। हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल स्थित है जयपुर में। बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ स्थित है? बड़ा इमाम बाड़ा की अगर बात की जाए तो ये स्थित है लखनऊ में। चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? चेतक घोड़ा महाराणा प्रताप से संबंधित है। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। बीज गणित के क्षेत्र में अपने विशेष योगदान के लिए किसे जाना जाता है? बीज गणित के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए जाना जाता है भास्कर को। इस योगदान के लिए जाना जाता है।
सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है? अगर सबसे पुराने वाद्य यंत्र की बात की जाए तो सबसे पुराना वाद्य यंत्र है वीणा। ये प्राचीन काल से चला आ रहा वाद्य यंत्र है। किस बृहत मंदिर की आरंभिक कल्पना तथा निर्माण सूर्य वर्मन द्वितीय के काल में हुआ था? तो वो था अंकोर वाट का मंदिर। अमरावती बौद्ध स्तूप कहाँ है? ये बौद्ध स्तूप है आंध्र प्रदेश में। सलहर के युद्ध में मुगल सेना को किसने हराया? सलहर के युद्ध में मुगल सेना को हराया था शिवाजी ने। सलहर का युद्ध कब हुआ? सलहर का युद्ध हुआ था 1672 ईस्वी में। किसे रंगीला बादशाह कहा जाता है? रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है मोहम्मद शाह को। भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर का मकबरा स्थित है। भारत का यह अंतिम मुगल सम्राट था जिसका नाम है बहादुर शाह जफर द्वितीय। इनका मकबरा स्थित है रंगून में। रंगून जो है म्यांमार में स्थित है, इसका नाम है रंगून और इसको यंगून के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन ज्यादा प्रचलन है रंगून नाम का, तो आपको रंगून ध्यान रखना है। इनका मकबरा स्थित है रंगून म्यांमार में। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किए थे 8 बार। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया? नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था 1739 में। शिवाजी के समय कितना राजस्व वसूला जाता था? शिवाजी के समय की अगर बात की जाए तो इसमें भू राजस्व जितना होता था उसका 33% कर वसूला जाता था। आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया? इसका निर्माण कराया था जहां आरा ने। किस सिख गुरु ने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा? उनका नाम था गुरु गोविंद सिंह। लेकिन प्रश्न ऐसे कभी नहीं पूछा जाता, प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि गुरु गोविंद सिंह ने जफरनामा कौन सी लैंग्वेज में लिखा था? तो उन्होंने फारसी भाषा में लिखा था। गुरु नानक का जीवन परिचय किस सिख गुरु ने लिखा? इनका जीवन परिचय लिखा था गुरु अर्जुन देव ने। औरंगजेब के शासनकाल में बंगाल का नवाब कौन था? औरंगजेब के शासनकाल में बंगाल का नवाब था मुर्शिद कुली खां। शिवाजी की मृत्यु कब हुई? इनकी मृत्यु हुई थी 12 अप्रैल 1680 में। औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण कब करवाया? इन्होंने जो बीबी का मकबरा का निर्माण करवाया था, एक बात तो ये ध्यान रखिएगा, बीबी का मकबरा का निर्माण किसने करवाया? तो वो करवाया था औरंगजेब ने। कब करवाया था? ये करवाया था 1679 में। सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ? सामूगढ़ का युद्ध हुआ था 1658 में। जहांगीर की पत्नी नूर जहां का वास्तविक नाम क्या था? जहांगीर की पत्नी का नाम था नूर जहां। नूर जहां जो था उनका वास्तविक नाम नहीं था, उनका वास्तविक नाम था मेहरू निशा। हैदर अली मैसूर के शासक कब बने? हैदर अली मैसूर के शासक बने थे 1761 में। नादिर शाह कहां के शासक था? नादिर शाह शासक था ईरान का। माधवराव नारायण पेशवा कब बने? माधवराव नारायण पेशवा बने थे 1761 में। और हैदर अली भी जो मैसूर का शासक बना था वो भी 1761 में। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव कब डाली? उन्होंने खालसा पंथ की नींव डाली थी 1699 में। किस गुरु ने विद्रोही मुगल राजकुमार की सहायता धन व मन से की? उनका नाम था गुरु अर्जुन देव। सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ? सैयद बंधुओं का पतन हुआ था मोहम्मद शाह के समय में। फर्रुख सियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना? तो ये बना था सैयद बंधु के सहयोग से मुगल बादशाह। भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? तो वो है नादिर शाह, जिसे ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? वो राज्य है अवध के शासक, इनको जो है नवाब वजीर कहा जाता था। आदि ग्रंथ का समायोजन किसने किया था? ये किया था गुरु अर्जुन देव ने। किसके काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई थी? तो ये हुई थी हेस्टिंग्स के काल में। किस अंग्रेज को प्रशासनिक सेवा का जनक कहा जाता है? वो अंग्रेज जिन्होंने प्रशासनिक सेवाएं सिविल सर्विसेज का जनक कहा जाता है उनका नाम है कौन? वालिस। कोलकाता में स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? तो इसके संस्थापक थे लॉर्ड वेलेजेली। टेनसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ था 1822 में। बैरकपुर में सैन्य विद्रोह कब प्रारंभ हुआ? तो इसका प्रारंभ हुआ था 1824 में। किस गवर्नर जनरल का कार्यकाल शिक्षा सुधारों के लिए माना जाता है? तो वो माना जाता है विलियम बेंटिक के कार्यकाल के लिए। कोलकाता मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब और किसने की? तो ये की थी 1835 में विलियम बेंटिक ने। बालिका हत्या पर प्रतिबंध कब लगाया गया था? तो ये लगाया गया था 1830 में। किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो ये कहा जाता है लॉर्ड चार्ल्स मेटकॉफ को। इनाम कमीशन की स्थापना किसने की? तो ये की थी लॉर्ड डलहौजी ने।
किस कर व्यवस्था के अंतर्गत किसानों से उपज का 50% वसूला जाता था? यो ये वसूला जाता था रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत। नरबलि प्रथा का अंत किस गवर्नर के काल में हुआ? तो ये हुआ था लॉर्ड डलहौजी के काल में। भारत में ब्रिटेन की ओर से संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो ये किया था दादा भाई नरोजी ने। भारत में टेलीग्राफ लाइन किसके द्वारा शुरू की गई? तो ये की गई थी कोलकाता व आगरा में शुरू की गई थी। ये शुरू की गई थी लॉर्ड डलहौजी द्वारा। भारत में पहली सूती वस्त्र कहाँ स्थापित की गई? तो ये मुंबई में की गई थी। भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हुई? तो वो हुई थी पलासी के युद्ध के बाद। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछवाई थी? तो ये बिछवाई थी जॉर्ज क्लार्क ने। भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का अधिक लाभ किसे प्राप्त हुआ? तो ये प्राप्त हुआ था जमींदारों को। किसके द्वारा बंगाल व बिहार में स्थायी बंदोबस्त का शुभारंभ किया गया? तो ये किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई? तो ये 1820 में लागू की गई थी। पहली बार औपचारिक रूप से महालवाड़ी प्रथा कब लागू की गई? तो ये की गई थी 1822 ईस्वी में। अंग्रेजी शासन में कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो वो था बिहार। 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र के उद्योग के पतन का क्या कारण था? तो उसके पतन का कारण था ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्चतर तत्कर। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी हुई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है दीन बंधु मित्र। अंग्रेजों द्वारा प्रथम कहवा बागान कहाँ लगाए गए? तो ये लगाए गए थे वायनाड़ा जनपद में। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? तो ये हुई थी लॉर्ड मेयो के काल में। सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? तो ये रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित है। स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय हुआ? तो ये हुआ था 89%। भारत में भारतीय द्वारा 1881 ईस्वी में स्थापित तथा उनके प्रबंध में चलने वाला सीमित देयता का प्रथम बैंक कौन सा था? तो वो था अवध कमर्शियल बैंक। अंग्रेजों द्वारा पहली बार स्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? तो ये मद्रास प्रेसिडेंटी व मुंबई में लागू किया गया था। भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब शुरू किया गया? तो 1913 ईस्वी में शुरू किया गया था। रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेल बजट कब आरंभ हुआ? तो 1924 ईस्वी में आरंभ हुआ था। भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय हुआ? तो ये लॉर्ड मेयो के समय हुआ था। भारत और इंग्लैंड के आर्थिक प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं, यह कथन किसका है? तो ये जवाहरलाल नेहरू का है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? तो वो है दादा भाई नेहरूजी। भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब प्रारंभ हुई? तो ये 1850 में प्रारंभ हुई थी। भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग के अग्रदूत जननी की संज्ञा किसने दी? तो वो दी थी कार्ल मार्क्स ने। भारत में पहली पटसन मिल कहाँ स्थापित की गई? तो ये की गई थी रिसरा बंगाल में। सर्वप्रथम लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई थी? बिहार में हुई थी। कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत में अंग्रेजों को भूमि खरीदने व बसने की अनुमति कब मिली? तो वो मिली थी 1833 ईस्वी में। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखी थी रमेश चंद्र दत्त ने। 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अनुरोध पर राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। किसके काल में सिंचाई आयोग का गठन हुआ? तो लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था। कृषि विभाग की स्थापना कब की गई? ये की गई थी 1872 ईस्वी में। किस स्थान पर 1866 ईस्वी में भीषण अकाल पड़ा? तो पड़ा था उड़ीसा में। कोलकाता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए मदरसा कब स्थापित किया गया? ये किया गया था 1772 में। पहले समाचार पत्र बंगाल गजट का प्रकाशन कब हुआ? ये हुआ था 1780 में। गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो वो थे विलियम विल्किंस, जिन्होंने गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया। बिजली संचालित तार सेवा पहली बार कहाँ आरंभ हुई? तो ये हुई थी कलकत्ता में आगरा के मध्य। बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो वो थे जोनाथन डंकन। प्रशासनिक अव्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने कौन सा राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? तो वो मिलाया था अवध। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव कब पड़ी थी? ये पड़ी थी 1835 में। भारत में डाक टिकट किसने आरंभ किए? तो ये किए थे लॉर्ड डलहौजी ने। अवध के स्वायत्त राज्य की संस्थापक कौन था? तो वो था सादत खां बुरहान उन मुल्क। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किससे संबंधित है? तो ये वॉरेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार के दीवान बनाया? तो वो बनाया था राजा सीताबराय को। महाराणा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो वो थे खड़क सिंह। स्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत किसने दिया था? वो दिया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। सहायक संधि प्रणाली के जनक कौन थे? तो वो थे लॉर्ड वेलेजली।
महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसने पढ़कर सुनाया था? तो ये सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो ये संबंधित थे सूकर चकिया से। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की? तो उनका नाम है मीर कासिम, जिन्होंने स्थापित की थी। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो वो थे शाह आलम द्वितीय। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई? तो वो हुई थी 1799 ईस्वी में। डिंडीगुल क्या है? तो ये तमिलनाडु के एक शहर का नाम है। किसके समय में कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना की गई? तो वो की गई थी वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र के विस्तार का अंत किसके समय में हुआ? तो डफरिन के समय में हुआ था। ठगों का दमन किसने किया था? कर्नल स्लिमेन ने। किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया? तो वो किया था चूड़ामन यानी चूड़ामणि ने। किस जाट राजा को जाटों का अफलातून आदरणीय वो विद्वान व्यक्ति कहा जाता था? तो वो था सूरजमल। लोहगढ़ नामक किला किसने बनवाया था? ये बनवाया था बांदा बहादुर ने। किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई थी? तो वो की गई थी फर्रुख सियर के आदेश पर। पंजाब में सिख राज्यों के संस्थापक कौन थे? तो वो थे रणजीत सिंह। रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की? तो लाहौर पर अधिकार किया था। रणजीत सिंह व अंग्रेजों के बीच कौन सी संधि हुई थी? इनके बीच अमृतसर की संधि हुई थी। अमृतसर की संधि किस नदी के दोनों ओर के राज्य क्षेत्रों के बीच सीमा निर्धारित करती? तो सतलज नदी के बीच सीमा नदी जो है बीच सीमा निर्धारित करती है। भारत के किस गवर्नर जनरल के समय सिंध का विलय अंग्रेजी राज्य में किया गया? तो वो था लॉर्ड एलन बरो के समय में। सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये दिया जाता है सर चार्ल्स नेपियर को। भारत में सहायक संधि का जन्मदाता कौन है? तो वो है ड्यूप्ले। सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक रूप किसने प्रदान किया? तो ये किया था लॉर्ड वेलेजली ने। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? तो ये लाहौर में थी। गोद प्रथा प्रतिबंध किस गवर्नर जनरल ने लगाया था? तो ये लगाया था लॉर्ड वेलेजली ने। डेनमार्क की प्रथम व्यापारी कंपनी का गठन कब हुआ? तो ये हुआ था 1616 में। वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? तो ये किया था सर आयरकूट ने। चंद्रनगर की बस्ती फ्रांसिसियों को किसने भेंट की? तो ये की थी साइस्ता खान ने। मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की? तो वो की थी डुप्ले को। पांडिचेरी का गवर्नर जनरल बनने में से पूर्व डुप्ले को कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गया था? तो इनको चंद्रनगर का गवर्नर नियुक्त किया गया था। डुप्ले के बाद पांडिचेरी का गवर्नर जनरल कौन बना? तो वो बना था गोडेहू। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया? ये किया था 1510 ईस्वी में। पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम भारत में कौन सी फसल की खेती की? तो वो थी तंबाकू की खेती। किसके शासनकाल में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा किया? तो वो थे शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में। मुंशी शिवगांव की संधि किस युद्ध के पश्चात हुई? तो ये पालखेड़ा के युद्ध के पश्चात हुई थी। संगोला की संधि कब हुई? तो ये हुई थी 1750 में। इलाहाबाद की संधि कब हुई? तो ये हुई थी 1765 में। ईस्ट इंडिया कंपनी को मान्यता कब मिली? ये मिली थी 1600 ईस्वी में। पांडिचेरी की स्थापना कब हुई? ये हुई थी 674 ईस्वी में। पांडिचेरी की स्थापना किसने की थी? फ्रांसिस मार्टिन ने। अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसिसियों से कब छीना? तो ये छीना था 1761 में। रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? तो वो था वॉरेन हेस्टिंग्स। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। राज्य हड़प की नीति या राज्य से किसके द्वारा लागू की गई? ये की गई थी लॉर्ड डलहौजी द्वारा। राज्य हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए? तो वो थे झांसी नागपुर सतारा जयपुर अवध और संबलपुर। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? उसका नाम था लॉर्ड कैनिंग। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने कौन सी संधि की? तो वो थी श्रीरंगपट्टम की संधि। 1757 ईस्वी में क्लाइव ने किसे पराजित किया? उन्होंने जिसको पराजित किया उसका नाम था सिराजुद्दौला। पलासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना नेतृत्व किसने किया? तो ये किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। बक्सर का युद्ध कब हुआ? ये हुआ था 1764 में। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? ये किया था हेक्टर मुनरो ने। सुगोली की संधि किस किस के बीच हुई? तो ये हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच। टीपू सुल्तान की मृत्यु कहाँ हुई? तो वो हुई थी श्रीरंगपट्टम में। ठगी प्रथा के उन्मूलन में कौन से गवर्नर जनरल की प्रमुख भूमिका थी? जिसमें जिनकी प्रमुख भूमिका थी वो थी जनरल विलियम बेंटिक की। वोडियार किसके शासक थे? वोडियार जो थे ये थे मैसूर के शासक, मैसूर रियासत के। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? इनकी राजधानी थी श्रीरंगपट्टम। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर
कब बनाया गया? तो वो बनाया गया था 1757 ईस्वी में। द्वैध शासन का अंत किसने किया था? ये द्वैध शासन का अंत करने वाले व्यक्ति थे वॉरेन हेस्टिंग्स। अंग्रेजों का सबसे अधिक विरोध किसने किया? तो इनका विरोध करने वाले व्यक्ति थे मराठा। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया था? उनका नाम था अल्फोंसो डी अल्बुकर्क। इन्होंने जो है पुर्तगालियों गोवा पर अधिकार कर लिया था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग्स। किस यूरोपीय देश ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया? तो वो फैलाया था पुर्तगाल ने। वास्को डिगामा भारत कब आया? वो आया था 1498 में। वास्को डिगामा भारत में किस स्थान पर उतरा था? तो वो सबसे पहले उतरा था कालीकट में। वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? ये पुर्तगाल का रहने वाला था। किस अंग्रेज ने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की थी? ये की थी टॉमस रो ने। गोवा दमन व द्वीप का उपनिवेशीकरण किसके द्वारा किया गया? ये किया गया था पुर्तगालियों द्वारा। अंग्रेजों ने अपनी प्रथम कंपनी लगाने के लिए किससे अनुमति प्राप्त की? इन्होंने अनुमति प्राप्त की थी जहांगीर से। अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ लगाई? इन्होंने लगाई थी सूरत में। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? ये की थी वास्को डिगामा ने। तृतीय कर्नाटक युद्ध की संधि का क्या नाम था? तो इस संधि का नाम था पेरिस की संधि। वास्को डिगामा के कालीकट पर उतरने पर उसका स्वागत किसने किया? उसका स्वागत किया था कालीकट के राजा जमोरी ने। ब्रिटिश के साथ बेशिन की संधि किस पेशवा ने की थी? तो ये की थी बाजीराव पेशवा द्वितीय ने। किस पुर्तगाली ने नीले पानी की नीति अपनाई? तो वो थे फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, जिन्होंने ये नीति अपनाई। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक कौन किसे माना जाता है? इसका संस्थापक माना जाता है अल्फोंसो डी अल्बुकर्क को। पुर्तगालियों का भारत का पहला गवर्नर कौन था? उनका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक कौन था? ये नागरिक था कार्नेलिस डहस्टमान। डचों ने गोवा पर आक्रमण कब किया? तो ये किया था 1639 में। डुप्ले भारत का फ्रेंच गवर्नर कब बना? ये बना था 1742 में। जहांगीर ने किसे खान की उपाधि दी? उन्होंने खान की उपाधि दी थी हॉकिंस को। आगरा व सीकरी पहुंचने वाला अंग्रेज व्यापारी कौन था? उनका नाम था रोल्फ फिच। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की? इन्होंने की थी मूसलीपट्टनम में। भारत का कौन सा नगर द्वीप पर निर्मित है मुंबई? तो वो नगर है मुंबई। पुर्तगालियों ने पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली? इन्होंने खोली थी कोचीन में। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कब लगाई? इन्होंने लगाई थी 1612 में। किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की? उस शासक का नाम था शाह आलम द्वितीय, जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की। भारत में पहली बार मुद्रण मशीन की स्थापना किसने की? ये की थी पुर्तगालियों ने। इंटरलोपर्स कौन थे? उनका नाम है अनाधिकृत व्यापारियों के रूप में सामुद्रिक लुटेरे थे। उस समय भारत का बादशाह कौन था जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई? उस समय भारत का बादशाह था अकबर। किस वर्ष फ्रांस की सरकार ने भारत में स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारत सरकार को सौंपा था? उन्होंने सौंपा था 1954 ईस्वी में। बांडी वास का युद्ध कब हुआ? यह हुआ था 1760 ईस्वी में। भारत की आर्थिक राजधानी क्या है? तो वो है मुंबई शहर। प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? अब ये तो आप सभी जानते हो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। हमें बचपन से ही, जब हम सेकंड या थर्ड में होते हैं, तब से ही हमें सिखा दिया जाता है भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, कौन थे, कौन थे। तो ये हम सब जानते हैं कि वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसके बाद है फ्रेंड्स, हमारे जो प्रथम राष्ट्रपति बने थे देश के, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे उन्हें भी आप सब जानते हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, चाचा नेहरू भी जिन्हें हम बुलाते हैं, वो थे हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति प्रधानमंत्री। इसके बाद है उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये जो थे इन्हीं की याद में टीचर्स डे मनाया जाता है फ्रेंड्स 5 सितंबर को, इन्हीं की याद में ये है हमारे उपराष्ट्रपति पहले। इसके बाद है भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री। तो दोस्तों, भारत के जो प्रथम उप प्रधानमंत्री थे ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और फ्रेंड्स, ऐसे ही क्वेश्चन हर साल एग्जाम में रिपीट होते हैं, कोई जीके टेस्ट भी आप देते हो तो इनमें से जरूर जरूर 2 या 3 क्वेश्चंस तो आते ही हैं, कुछ भी कर लो आप। इसके बाद है भारत का प्रथम स्वदेशी गवर्नर जनरल। दोस्तों, स्वदेशी गवर्नर जनरल है मतलब जो इंडियन गवर्नर जनरल थे वो पहले थे हमारे राजगोपालाचारी। ये दो थे,
ये भारत के प्रथम स्वदेशी गवर्नर जनरल थे। इसके बाद है फ्रेंड्स भारत का प्रथम कार्यकारी प्रधानमंत्री। इनके बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे। ये जो थे ये भारत के प्रथम कार्यकारी प्रधानमंत्री थे। इनका नाम था दोस्तों गुलजारी लाल नंदा। और दोस्तों एक बात मैं आपको बताऊं तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये एक बार पहले भी पूछा गया था साइट 2012 के एग्जाम में। ये क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कम बच्चों को इसका आंसर आया था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है भारत के जो प्रथम कार्यकारी प्रधानमंत्री थे वो थे गुलजारी लाल नंदा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री जिनको आप सब जानते हो श्रीमती इंदिरा गांधी, जो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। इसके बाद है भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, तो दोस्तों ये थी सुचेता कृपलानी। सबसे पहले ये यूपी की मुख्यमंत्री बनी थी जिनका नाम था सुचेता कृपलानी, महिलाओं में प्रथम मुख्यमंत्री ये बनी। इसके बाद है दोस्तों भारत की प्रथम महिला राज्यपाल, तो दोस्तों भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू। और दोस्तों सबसे पहले जो ये राज्यपाल बनी थी ये बनी थी यूपी की, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी। और जो पहली महिला मुख्यमंत्री थी वो भी उत्तर प्रदेश की ही मुख्यमंत्री थी। इसके बाद है भारत की प्रथम विदेश मंत्री, महिला विदेश मंत्री जो वर्तमान में भी कार्यरत है दोस्तों, जो है सुषमा स्वराज, ये भारत की प्रथम महिला विदेश मंत्री है। इसके बाद है भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, ये है प्रिंस प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ये जो है दोस्तों ये भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति है। इन सबके बारे में आप सब जानते हो। इसके बाद है भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष, जो है वो है मीरा कुमार, जो इससे पहले के जो कार्यकाल था उनका अभी कुछ दिनों पहले उनका कार्यकाल समाप्त हो गया। यही थी दोस्तों वो जो भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। इसके बाद है भारत की प्रथम आईपीएस अफसर थी किरण बेदी, जिनको आप सब जानते हो किरण बेदी के बारे में। इसके बाद है भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश। फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है ये भी पूछा गया था, ये क्वेश्चन दो बार रिपीट हो चुका है, महिलाओं से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट व्यक्ति कौन है इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों बहुत कम स्टूडेंट्स इसका आंसर दे पाए थे, वही दे पाए थे जो हर तरह से ध्यान रखते हैं हर बात का, उन्हें ही इसका आंसर अटेम्प्ट कर पाए थे। तो दोस्तों ये थी फातिमा बीबी, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश थी। इसके बाद है भारत का प्रथम सेना प्रमुख, तो दोस्तों भारत के जो प्रथम सेना प्रमुख थे वो थे जनरल करियप्पा, ये जो थे ये भारत के प्रथम सेना प्रमुख थे। इसके बाद है भारत का प्रथम राष्ट्रपति थे, मुस्लिम राष्ट्रपति थे दोस्तों डॉक्टर जाकिर हुसैन। इन सबके बारे में भी आप सब जानते होंगे क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन तो बड़े इजी हैं जो हम जानते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते, तो हमें उन्हें को जानने के लिए हमने आज ये टेस्ट सीरीज आपके लिए चलाई है। इसके बाद है भारत का प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता है रविंद्रनाथ टैगोर, इन्हें साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। बहुत ही अच्छी कृतियां इन्होंने लिखी है, बहुत ही अच्छे ये राइटर है, इसलिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। इसके बाद है भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश है जो थे वो थे दोस्तों हरिलाल जे कानिया, ये भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। इसके बाद है जो भारत का प्रथम विश्वविद्यालय था दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय, इसके बारे में भी आप सब जानते होंगे, बहुत ही प्राचीन है और भारत का सबसे प्रथम ये विश्वविद्यालय है। इसके बाद है भारत का प्रथम जो मुगल बादशाह था दोस्तों वो था बाबर। इसके बाद है भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम था मोहम्मद बिन कासिम, ये जो था दोस्तों भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुसलमान था ये जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया 712 ईस्वी में, जिनका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। ये दोस्तों पूछा जा सकता है, हिस्ट्री का भी क्वेश्चन इससे बन सकता है, तो दोस्तों आपको तैयार रहना है आंसर देने के लिए। इसके बाद है भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम यूरोपीय था सिकंदर, जिसने दोस्तों 1326 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था सिकंदर ने। इसके बाद है भारत का प्रथम एवरेस्ट विजेता थे तेनसिंग नारके, इन्होंने जो है एवरेस्ट पर चढ़ाई की और उस पर विजय प्राप्त की, ये थे तेनसिंग नारके। इसके बाद है भारत में सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा का प्रारंभ कब हुआ, तो दोस्तों भारत में जो सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा का प्रारंभ हुआ एरोप्लेन के द्वारा डाक की सेवा, तो दोस्तों ये प्रारंभ हुआ था 1929 में, इलाहाबाद में ये सेवा स्टार्ट की गई थी प्रथम हवाई डाक सेवा। तो दोस्तों दोनों आंसर्स आपको ध्यान रखने हैं, एक तो ये ध्यान रखना है कि प्रथम डाक सेवा कहाँ प्रारंभ की गई, तो दोस्तों ये इलाहाबाद में स्टार्ट हुई थी। कब स्टार्ट की गई, तो दोस्तों 1929 ईस्वी में ये स्टार्ट हुई। इसके बाद है भारत में प्रथम रेल कब चली, तो दोस्तों ये रेल चली थी 1853 में, 35 किलोमीटर
की देर थी ये, जो मुंबई से लेकर ठाणे तक चली थी 1853 में। ये आपको ध्यान रखना। इसके बाद है इसकी जो दूरी थी दोस्तों, ये थी 35 किलोमीटर। इसके बाद है भारत में प्रथम एशियाई खेल खेला गया था दोस्तों, 1951 ईस्वी में ये दिल्ली में खेला गया था। इसके बाद है भारत की प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता महिला, तो दोस्तों ये थी मदर टेरेसा, इनको दिया गया था सबसे पहले महिलाओं में नोबेल पुरस्कार। भारतीय महिलाओं में ये मदर टेरेसा बहुत ही प्रसिद्ध है, इन सबके बारे में शायद आप सब जानते होंगे। इसके बाद है एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला थी बछेंद्री पाल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भले ही इजी हो, आपको आता हो, लेकिन ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है एग्जाम में, फिर आने की संभावना रखता है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली जो महिला थी प्रथम भारतीय, वो थी संतोष यादव। इन्होंने 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ाई की और दोनों बार इन्होंने विजय प्राप्त की। इसके बाद है प्रथम भारतीय महिला सर्जन, तो दोस्तों जो प्रथम भारतीय महिला सर्जन थी वो थी डॉक्टर हेमा मुखर्जी, ये एक सर्जन थी और प्रथम भारतीय महिला सर्जन थी ये। इसके बाद है इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी आरती साहा। फ्रेंड्स आप इनके बारे में नहीं जानते होंगे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स जो इंग्लिश चैनल तैरकर पार किया था इन्होंने, ये प्रथम भारतीय महिला थी उसको पार करने वाली, इनका नाम था आरती साहा। इसके बाद है भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला जो सभापति थी दोस्तों, वो थी श्रीमती एनी बेसेंट, ये भारत की जो कांग्रेस है उसकी प्रथम महिला सभापति थी। इसके बाद है अंटार्कटिका पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला थी महमूरन, जो सबसे पहले अंटार्कटिका पहुंची थी। इसके बाद है भारत की प्रथम मिस यूनिवर्स थी दोस्तों सुष्मिता सेन, जो अभी वर्तमान में एक अभिनेत्री है, ये जो थी दोस्तों भारत की प्रथम मिस यूनिवर्स थी। इसके बाद है भारत की प्रथम विश्व सुंदरी थी कुमारी रीता फरिया, ये भारत की प्रथम विश्व सुंदरी के रूप में जानी गई। इसके बाद है भारत में की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थी कल्पना चावला। इसके बाद है भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान, इन्होंने जो है भारत पर शासन करने वाली प्रथम महिला थी ये, जिनका नाम है रजिया सुल्तान। इसके बाद है भारत में सर्वप्रथम फांसी दिया जाने वाला क्रांतिकारी था खुदीराम बोस। सरकार से भारत के कितने कितने युद्ध हुए, टोटल 27 युद्ध इसके अंदर हैं, और क्या क्या महत्वपूर्ण बातें वहां से उठ के आई है जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती है, हर बार ऐसे प्रश्न बनते हैं, और इन प्रश्नों को हम कहते हैं फैक्चुअल प्रश्न, जो डायरेक्ट फैक्ट पर आधारित होते हैं, सीधी सी बात होती है, आपको आंसर देते ही आपका नंबर मिल जाता है। तो शुरू करते हैं भारत के प्रमुख युद्ध, मेजर वार्स ऑफ इंडिया, हर एक एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। दोस्तों भारत में कई युद्ध हुए हैं और परीक्षा की दृष्टि से जो युद्ध इंपोर्टेंट है, टोटल 27 एग्जाम में इन 27 युद्धों के बारे में अक्सर पूछा जाता है, हर एक बार प्रश्न बनता है, तो एक बार इनको एक नजर में ही पढ़ लेते हैं ताकि आपको यहीं से याद हो जाए, बहुत बार प्रश्न पे बने हर एक एग्जाम में, किसके बीच लड़ाई हुई, कितने लोग मरे थे, क्या कारण था, बहुत सारी चीजें होती है। सबसे पहले अपने पास है हाइड स्पीच का युद्ध, दोस्तों ये हुआ था, इसका समय नोट कर लीजिए आप, 326 ईस्वी पूर्व, किसके बीच हुआ था, सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच हुआ था। सिकंदर वही सिकंदर है जिसे हम कहते हैं सिकंदर द ग्रेट, ठीक है ना। तो ये था हाइड स्पीच का युद्ध, पूछा जाता है कई एग्जाम में पूछा गया, सिकंदर किस में विजय हुई थी और किसके बीच हुआ, सिकंदर और पंजाब के राजा के बीच। ये सारे जो हैं इंडिया की हिस्ट्री के भी प्रश्न बनते हैं RAS में। उसके बाद हुई थी कलिंग की लड़ाई, इस समय आपको याद रखना है 326 ईस्वी पूर्व, ठीक है ना। कलिंग की लड़ाई में क्या हुआ था, ये हुई थी 261 ईस्वी पूर्व, और देखा जाए तो किसके बीच हुई थी, सम्राट अशोक के बीच, और कलिंग आक्रमण किया था सम्राट अशोक ने, ठीक है ना। युद्ध के रक्तचाप को देखकर उसने युद्ध न करने की कसम खाई थी। तो ये था कलिंग का युद्ध, सम्राट अशोक ने किया था कलिंग पर, युद्ध के रक्तचाप को देखकर उसने युद्ध न करने की कसम खाई थी, ये हुआ था। कब हुआ था ये, 261 में, यानी कि ये पहले हुआ था और ये सिकंदर का बाद में हुआ था। आगे अपन देखें तो सिंध की लड़ाई, दोस्तों सिंध की लड़ाई हुई थी 712 ईस्वी में, 712, ये याद रख लेना, कई बार पूछे जाते हैं प्रश्न। 712 ईस्वी में किसके बीच में, जो मोहम्मद कासिम ने अरबों की सत्ता स्थापित की थी, इसके अंदर मोहम्मद कासिम था इसका नेतृत्व करने वाला, अरबों की सत्ता स्थापित की थी। तो ये था सिंध की लड़ाई। आगे आता है तराइन का युद्ध, राजस्थान के कई एग्जामों इसके प्रश्न बनते हैं और इंडिया लेवल के एग्जामों में बहुत बार पूछा जाता है।
तराइन का प्रथम युद्ध जो हुआ था, ध्यान रख लेना, 1191 में हुआ था, 1191 इसको लिखते हैं, आपको इसी तरीके से याद रखना, याद हो जाएगा क्या हुआ था 1191 में तराइन का पहला, ठीक है। किसके बीच हुआ था? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, इसमें चौहान की विजय हुई थी, ठीक है ना, पहली बार चौहान जी जीते। तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, वो हुआ था पहला तो 91 में हुआ था, दूसरा 92 में हुआ था, तो 1191 पहला और फिर उसके बाद दूसरा 91 में 92 में चल रहा है, ठीक है। ये हुआ था मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, फिर से मोहम्मद गोरी जीता, तो एक में तो जीता चौहान, एक में जीता गोरी। आगे आता है चंदावर का युद्ध, दोस्तों चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ था, ईस्वी है सभी है, ठीक है ना। इसके बीच हुआ था, ये हुआ था मोहम्मद गोरी और कन्नौज के राजा जयचंद को हराया था, यानी कि मोहम्मद गोरी और जयचंद क्या लड़ाई हुई थी इसमें, और उसमें कन्नौज के राजा जयचंद को हराया था। और डेफिनेटली जब ये हारा था बैटल तराइन के द्वितीय युद्ध में, उस समय जो था जयचंद ये उसके साथ ही था मोहम्मद गोरी के साथ, तो इसीलिए कहा जाता है कि भारत में जयचंदों की कमी नहीं है, दोनों भाई थे वैसे तो ये पृथ्वीराज चौहान और जयचंद। आगे आता है अपना पानीपत का प्रथम युद्ध, दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में, हजार प्रश्न इसके बने पूछे अलग अलग एग्जामों में, मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच ये हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच कौन सा युद्ध हुआ था, तो पानीपत का युद्ध है, ये कब हुआ था 1526 में ये हुआ था, ईस्वी ये है। खानवा का युद्ध, खानवा के युद्ध के बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, ये होता बाबर और राणा सांगा के बीच, और राणा सांगा को पराजित किया था बाबर ने, ठीक है ना, तो बाबर ने राणा सांगा को हराया था, ये हुआ था खानवा का युद्ध। फिर हुआ था घाघरा का युद्ध, घाघरा का युद्ध दोस्तों बहुत बार पूछा जाता है, ये होता है 1529 में, और घाघरा के युद्ध में डायरेक्ट यहां से प्रश्न बनेंगे आपकी, ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बीच हुआ था बाबर में महमूद लोधी के नेतृत्व में अफगानों को हराया था, किसको हराया था, अफगानों को महमूद लोधी के नेतृत्व में बाबर ने हराया था, महमूद लोधी जो था नेतृत्व करने वाला था। ये समस्त वीडियो लेक्चर जो है इसका वेब लिंक नीचे रखा हुआ है, आप इसको व्हाट्सएप पे सेव कर ले, ताकि आपको जब भी कोई चीज भूले ना, जैसे मान लो सन भूल गए तो आप पूरा वीडियो थोड़ी देखोगे, लिंक पे क्लिक करो वहां से देख लीजिए, नहीं तो आप नोट्स बना लीजिए लिंक से। आगे अगर मैं बात करूँ चौसा का युद्ध, चौसा का युद्ध जो था वो 1539 यानी सन 1539 में यह हुआ था, किसके बीच हुआ था, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था। शेरशाह सूरी जो है बनारस जो है यूपी में, उसके आगे एक जगह पड़ती जो वर्तमान में बिहार में है, वहां पर यह हुआ था पैदा। आगे बात करें तो कन्नौज बलिग्राम युद्ध, कन्नौज बलिग्राम युद्ध हुआ था 1540 में, एक बार फिर से शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था, वो भारत छोड़ने पर मजबूर हो गया था, शेरशाह सूरी की लड़ाई हुई थी, हुमायूं को हराया था और भारत छोड़ने पर उसको मजबूर कर दिया था। है पानीपत का द्वितीय युद्ध, दोस्तों पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है 1556 में हुआ था, किसके बीच हुआ था, अकबर और हेमू के बीच ये हुआ था, ये था पानीपत का द्वितीय युद्ध। ताली कोटा का युद्ध, दोस्तों ताली कोटा का युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 1565 में, इस प्रकार से आप याद रखना है इसको, मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे 1565 में, किसके बीच हुआ था इस युद्ध को, विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया था इस युद्ध में, ये महत्वपूर्ण बात है, विजयनगर साम्राज्य जो था इसमें खत्म हो गया था। हल्दी घाटी का युद्ध, बैटल ऑफ हल्दी घाटी जो है 1576 में हुई थी, सबको पता होता है राजस्थान से जो है, किसके बीच हुई थी, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुई थी, इसमें राणा प्रताप की हार हुई थी। अगला प्रश्न है प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध जो है 1757 में हुआ था, और यह हुआ था अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच, इसमें अंग्रेजों की विजय हुई, भारत में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी, ये पहला युद्ध था जिसमें अंग्रेज जीते और फिर वो अंग्रेज भारत में आए, 1757 में यह हुआ था। अगला प्रश्न है वांडीवास का युद्ध, दोस्तों वांडीवास का युद्ध जो था वो 1760 में हुआ था, और इसमें हुआ किसके बीच था, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था, इसमें फ्रांसीसियों की हार हुई थी। पानीपत का थर्ड युद्ध यानी तृतीय युद्ध होता है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, ये हुआ था 1761 में, इसके बीच अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच जंग हुई जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई। दोस्तों अगला है बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध जो था 1764 ईस्वी में हुआ था, अंग्रेज और सेजा उदेला के बीच, मीर कासिम शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच हुआ था, इसमें अंग्रेजों की विजय हुई, उसके बाद फिर अंग्रेज जीतने लग गए थे, फिर बाद में सारा उन्होंने गुलाम भारत को बनवा लिया था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, दोस्तों पहला आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था
जो हुआ था हैदर अली और अंग्रेजों के बीच, जिसमें अंग्रेजों की हार हुई, अंग्रेज हार गए, मुंह की खानी पड़ी। यह था प्रथम आंग्ल, आंग्ल अंग्रेजों को कहा जाता है, मैसूर युद्ध ये था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि अनितिपूर्ण छूटा था, ये हुआ था हैदर अली और अंग्रेजों के बीच। सारे आंग्ल युद्ध जो है अंग्रेजों के बीच हुए हैं। हैदर अली ने अंग्रेजों से लड़ाई की थी, अनितिपूर्ण छूटा। ये थर्ड आंग्ल यानी तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था वो 1790 में हुआ था। ये हुआ था टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच, इसमें लड़ाई संधि द्वारा समाप्त हुई थी। तो टीपू सुल्तान वो था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो था सर 1799 ईस्वी के बीच हुआ, टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच। इसमें टीपू सुल्तान की हार हुई और मैसूर की शक्ति का पतन हो गया। तो चौथा जो था उसमें टीपू सुल्तान की हार हो गई थी। अब आता है चिलियान वाला युद्ध। चिलियान वाला युद्ध 1849 में हुआ था। इसके बीच ईस्ट इंडिया कंपनी और सिक्कों के बीच लड़ाई हुई थी, जिसमें सिक्कों की हार हुई थी, लेकिन सिक्कों ने टक्कर ढंग से दी थी ईस्ट इंडिया कंपनी को। भारत चीन सीमा युद्ध। भारत चीन सीमा युद्ध जो भारत के आजाद होने के बाद पहला युद्ध हुआ, नेहरू जी के नेतृत्व में ये हुआ था। नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, नेतृत्व तो आर्मी करती युद्ध में। किसके बीच में हुआ था? चीनी सेना और भारत सेना के बीच में सीमा और क्षेत्रों में आक्रमण हुआ था। कुछ दिन तक ये युद्ध होने के बाद एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा की गई। भारत ने अपनी सीमा के कुछ हिस्सों को छोड़ना पड़ा और भारत की यहाँ पर हार हुई। अगला युद्ध हुआ था भारत पाक युद्ध, इंडो पाकिस्तान वार, सन 1965। इसमें किसके बीच हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, जिसमें पाकिस्तान की हार हुई और बहुत कुत्ते की तरह पाकिस्तान की हार हुई थी, बहुत बुरी तरीके से। भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता भी इसमें हुआ था। भारत पाक युद्ध द्वितीय जो था वो हुआ था 1971 में। फिर से पाकिस्तान ने एक बार वही किया और फिर बाद में पाकिस्तान की हार हुई और फलस्वरूप बांग्लादेश भी टूट गया उनका। और अभी तक भी वो उनका इतिहास पढ़ा जाए पाकिस्तानियों का तो यही कहते हैं कि हम इन दोनों युद्ध में विजेता थे, जबकि एक बार उन्होंने शिमला समझौता किया, लाहौर तक हमारी सीमा चली सेनाएं चली गई थी, और दूसरी बार बांग्लादेश दूसरा देश बनाया, इंदिरा गांधी का प्रखंड नेतृत्व तो सामने आया, तो भी वो ये कहते कि हम जीते थे। उन्हें इतिहास का पता है, न जीके का पता है। आगे बात करते हैं करगिल युद्ध। करगिल युद्ध जो था सन 1999 में हुआ था। ये हुआ था जम्मू कश्मीर के द्रास में, कारगिल क्षेत्र में पाकिस्तानी घुसपैठियों को लेकर हुए युद्ध में पुनः पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा। अंत तक पाकिस्तान 3 बार हारा और आगे भी कोई लड़ेगा तो हारेगा, इसी पाकिस्तान में जीतने की क्षमता नहीं है। फिलहाल के लिए धन्यवाद। अति महत्वपूर्ण जीके लिस्ट यहाँ पर और भी है, भारत में प्रथम व्यक्तियों की सूची, भारत में महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संस्थानों की सूची, आप जाकर यहाँ से लिंक डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हैं। फिलहाल के लिए धन्यवाद, बने रहिए डी सुगुजी के साथ। Bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free.